हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं RTE। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। RTE 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना है। अब राज्य में लगभग 39,000 प्राइवेट स्कूल हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसमें जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो क्या है। आवेदन करने वाले बालकों की लॉटरी अनुसार वरीयता क्रम में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। तो इसमें प्रवेश के लिए बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए तथा ये जिस स्कूल में प्रवेश ले रहा है उसके आसपास के गांव में निवास करने वाला होना चाहिए, या शहर है तो उसमें आसपास की जो नगरपालिका के पास में निवास करने वाला होना चाहिए तथा ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की जो आय है वो 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, SC ST OBC SBC या BPL। अब हम देखेंगे इसके बाद में जो एंट्री लेवल कक्षा का नाम है, जैसे कक्षा 1 है तो उसमें जो प्रवेश की आयु है वो 5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद में जो विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च 2022 को पूरी हो जानी चाहिए। अब हम देखेंगे निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक के पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है या बिजली या पानी का बिल है जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के लिए जो दस्तावेज है, तो सबसे पहले आता है जन्म प्रमाण पत्र। आप अस्पताल से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी है, आधार कार्ड है, उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आपको चाहिए। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो इस प्रकार है, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना है वो है 2 मई 2022 से 15 मई 2022 तक, और ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु इसकी जो तारीख है वो है 17 मई 2022। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है वो 18 मई से 25 मई 2022 तक। अब हम देखेंगे इसकी जो आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, तो इसकी जो तारीख है वो है 2 मई 2022 से 15 मई 2022 तक। इसके बाद हम देखेंगे ये आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये आवेदन ऑनलाइन मोड होगा, मतलब आप कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं या ई मित्र से कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो प्राइवेट स्कूलों की वेबसाइट आपको ये दे रखी है, इसके अलावा अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जो निःशुल्क प्रवेश के लिए जो दस्तावेज है वो है आवेदन फार्म के साथ बालक की फोटो होनी चाहिए, बालक का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड होना चाहिए, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जरूरी है। अब हम इसमें देखेंगे कौन से स्टूडेंट इसमें प्रवेश ले सकते हैं तथा कौन से आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो वे छात्र जो RTE के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वे पुनः आवेदन नहीं कर सकते हैं। बालक 5 विद्यालयों के नाम भर सकता है। दुर्बल वर्ग के बालकों के प्रवेश हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है, तो सबसे पहले अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपए तक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बालक के अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बालक की आयु संबंधी दस्तावेज होना चाहिए। जैसे किसी विद्यालय में 18 प्रवेश है तो उसमें से 5 तो निःशुल्क प्रवेश होगा तथा 13 सामान्य प्रवेश बालक होंगे। अब जो निःशुल्क प्रवेश होगा बालक का, उसको उस विद्यालय से पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
अब इसके बाद में जो फार्म का प्रारूप है वो इस प्रकार है। सबसे पहले विद्यालय का नाम है, इसके बाद में बालक की फोटो होनी चाहिए तथा जो मेन है आय का घोषणा पत्र वो होना चाहिए।